बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ एक और कांड हो गया। दरअसल तेज प्रताप यादव को वाराणसी के एक होटल ने रात के 1 बजे बाहर निकाल दिया। शुक्रवार रात 1 बजे उनका सामान बिना जानकारी दिए होटल के रिसेप्शन पर रख दिया गया। उस वक्त तेज प्रताप अपने दोस्त के साथ 80 घाट घूमने गए थे। जब वो होटल लौटे तो देखा कि सामान बाहर पड़ा हुआ था। इसके बाद तेज प्रताप के निजी सहायक मिशाल सिन्हा ने सिगरा थाना पुलिस से इस मामले में लिखित शिकायत की है। वहीं तेज प्रताप के दोस्त प्रदीप रॉय ने होटल के प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। हमारा नाम प्रदीप राय है। प्रदीप जी, क्या हुआ था, कौन आया था यहाँ पर? बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें CCTV फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के GM का भी चेहरा उस CCTV फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? बातें हुई, उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था कि कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत किया गया। तो सीधे सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर ये मामला बनता है। और अभी वो कहाँ गए? अभी वो काशी विश्वनाथ, जैसा वो बताया गया है कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। उनके साथ और भी कुछ लोग थे या कुछ कहने वाले थे कि मीडिया से बातचीत के लिए? पुलिस क्यों उनको मना कर दी? पुलिस ने मना नहीं किया, उन्होंने अपना एक FIR दी है और उसकी कॉपी मीडिया को भी दी गई है। तेज प्रताप यादव अपने निजी दौरे पर वाराणसी आए थे। वाराणसी के सिगरा इलाके के अर्केडिया होटल में तेज प्रताप रुके हुए थे। वहीं इस पूरे विवाद पर अर्केडिया होटल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा है। होटल प्रबंधन का दावा है कि तेज प्रताप यादव कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि मंत्री तेज प्रताप के नाम से कमरा नंबर 205 और 206 बुक था। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तेज प्रताप यादव को कमरा खाली करना था, लेकिन उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। उस कमरे की बुकिंग चेन्नई के एक गेस्ट ने ऑनलाइन कराई थी और वह अपना कमरा लेने के लिए होटल पहुंच गए थे। होटल प्रबंधन का कहना है कि मंत्री जी के स्टाफ के सामने ही उनका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा रहे थे, लेकिन इस पर तेज प्रताप यादव नाराज हो गए और वे दोनों कमरा छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। अब ये कन्फ्यूज़न था या ग्रह का फेर, ये तो तेज भैया ही बता सकते हैं। लेकिन एक बार फिर होटल कांड से तेज प्रताप यादव ने सुर्खियां बटोर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, QIFE नेटवर्क।